जय जिनेंद्र, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। आज हम गुजरात के फेमस खमंड बनाने वाले हैं जो बहुत ही जालीदार और स्पॉन्जी बनेंगे। हम एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बना रहे हैं और इसके साथ मिलने वाली कढ़ी और जो चटपटी चटनी होती है दोनों को हम बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 कप चने की दाल को भिगो दिया था 5 घंटे पहले। दाल हमारी अच्छे से भीग चुकी है, सारा पानी निकाल देंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे हमें कुछ इस तरह से ड्राई ही पीसना है, हम थोड़ा पानी ही डालेंगे। मैं इसका मेजरमेंट बताती हूँ आपको। 1 कप अगर हमारी चने की दाल है तो उसमें हमें 1/2 कप पानी लगेगा। यहाँ पे मेरी 1.5 कप दाल थी तो मेरा 3/4 कप पानी इसमें लग चुका है। देख, दाल पीस के हमारी रेडी हो चुकी है। डालेंगे हल्दी और थोड़ा सा डाल देंगे लेमन जूस 1 चम्मच जितना। 3 चम्मच हम डाल रहे हैं चने का आटा। सारी चीज़ों को इस तरह से हाथ से हमें फेंटना है, सारे बैटर को। यहाँ पे हल्दी पहले से डाल देने से जब हम सोडा डालेंगे तो वो एक टाइप के पिंक स्पॉट आ जाते हैं, वो नहीं आएंगे। और चने का आटा डालने से ये और भी स्पॉन्जी बनेंगे। देख सकते हैं हमारा बैटर कितना सॉफ्ट और कलर भी चेंज हो चुका है। इसे हम कहीं पर भी पैक अप किचन के कबर्ड में रख सकते हैं। इसको मैं प्रेशर कुकर में गर्म पानी नीचे रख के मैंने रख दिया था, थोड़ा सा 1 कप गर्म पानी रख के। देख सकते हैं 4 घंटे के बाद ये दाल हमारी किस तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। इसमें से हम 2 कप जितना बैटर को ले लेंगे। ये अभी मेजरमेंट जो मैं बता रही हूँ उसका ध्यान रखिएगा। 2 कप हम लेंगे बैटर, उसके अंदर हमें करीबन 1/2 कप जितना पानी इसके अंदर लगेगा। हमें ज़्यादा पानी भी नहीं लेना है और इतना थिक भी नहीं रखना है, तो इसका एक परफेक्ट मेजरमेंट है। 2 कप अगर हमारा इस तरह का बैटर है तो उसमें 1/2 कप जितना पानी हमारा इनफ है। पहले इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम सारे मसाले करेंगे इसके अंदर थोड़ा थोड़ा। पहले पानी से मैं दिखा रही हूँ आपको किस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। कुछ इस तरह का चाहिए हमें। ये रेडी हो चुका है। देखिए अभी मसाला करेंगे। पहले डालेंगे हींग 1/2 चम्मच। 1/2 चम्मच डालेंगे हम ग्रीन चिली पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच जितना, और सौंठ डालेंगे 1 बड़ी चम्मच। यहाँ पे मैं तेल डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच। ये ठंडे होने के बाद कभी कभी कड़क हो जाते हैं, तेल डालने से ये एकदम ही सॉफ्ट रहेंगे ठंडे होने के बाद भी, तो इसे हमें ज़रूर डालना है। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने थाली को पहले से ही ग्रीस करके रख दी है और कढ़ाई में पानी को भी गर्म करने रख दिया है। अब हम डाल देंगे इनो का 1 पैकेट। ऊपर जो हमारा 1/2 कप में थोड़ा बचा हुआ पानी वो डाल देंगे। यहाँ पे मेरा 1 चम्मच जितना पानी बच चुका है 1/2 कप में, तो उतना ही मेजरमेंट हमें चाहिए। इनो डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस कुछ इनो को अच्छी तरह से सिर्फ बैटर में मिल जाए उतना ही हम इसे मिक्स करेंगे। थाली के अंदर हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसके साथ हम जो कढ़ी और चटनी बनाने वाले हैं बहुत ही चटपटी बनने वाली है, तो मेरे साथ बने रहे, वो भी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे। थाली को हमें ज़्यादा थपथपाना नहीं है, नहीं तो इसके अंदर जो एयर बबल्स क्रिएट होंगे वो ख़राब हो जाएंगे, तो ज़्यादा थपथपाइए मत। कढ़ाई में पानी गर्म हो चुका है, अब हम थाली को इसके अंदर रख देते हैं। इसे हमें 20 मिनट तक पकाना है। 20 मिनट के बाद इसे 5-10 मिनट हम ठंडा होने देंगे। पहले इसे हम स्टीम कर लेते हैं 15-20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक करेंगे। देख सकते हैं थाली हमारी एकदम अच्छे से फूल चुकी है, जरा भी चिपचिपी भी नहीं है, इसका मतलब ये रेडी हो चुकी है। चलिए इसे निकाल देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए थाली को निकाल देते हैं, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडी हो चुकी है, इस तरह से हम कट कर लेते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं। थाली को 10 से 15 मिनट ठंडा होने के बाद ही हमें इसे कट करना है। देखिए मैं एक पीस निकाल के दिखा रही हूँ, देखिए कितने स्पॉन्जी बने हैं। इसको इस तरह से हाथ में इस तरह से करने से भी वो फिर से देखिए बहुत ही जालीदार और सॉफ्ट खमंड बन के तैयार है। तो चलिए तड़का लगाते हैं। अभी
दो चम्मच जितना लेंगे ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए हम डालेंगे थोड़ी सी राई। यहाँ पे मैंने दो ग्रीन चिली को कट कर लिया है, उसको भी हम डालेंगे। हींग डाल देते हैं पहले, ग्रीन चिली और करी लीव्स को भी डाल देंगे। इसके अंदर हम दो तीन चम्मच जितना पानी डालेंगे। पानी थोड़ा बॉईल होने देंगे और ये थोड़े चटपटे अच्छे लगते हैं, तो हल्की सी हमें सिर्फ आधा चम्मच जितनी शुगर डालनी। ये मीठे नहीं होंगे, सिर्फ बैलेंस होगा, तो ये शुगर इसमें ज़रूर डालिएगा। इसमें जो हमने पानी डाला है, इसकी वजह से जब भी हम खमन में तड़के को लगाएंगे तो वो अच्छी तरह से उसके साथ मिक्स हो जाएगा और भी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। इसी तरह से ये बाहर जो मिलती है उसमें इसी तरह का तड़का लगता है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए हमारा अच्छे से तड़का लग चुका है, इसे हम अब मिक्स कर लेते हैं। हमारे बहुत ही स्पॉन्जी और टेस्टी जालीदार ढोकले तैयार हो चुके हैं। अब हम इसकी चटनी और कढ़ी की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैंने दो चम्मच जितने कैप्सिकम और 15-20 करी लीव्स ले लिए हैं। इसके अंदर अब हम डालेंगे आधा चम्मच चिली पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक थोड़ा सा डालेंगे, लेमन जूस एक चम्मच जितना डालेंगे, और जो हम लोगों ने ढोकले बनाए उसके थोड़े पीसेस मैंने यहाँ पे करीबन 2 से 3 टुकड़े इसके कर लिए हैं ढोकले के। थोड़ी सी डालेंगे शुगर और पानी डाल के हम इसे पीस लेंगे। ये बहुत ही चटपटी और टेस्टी बनती है। सॉल्ट पाउडर डालेंगे थोड़ा सा। इसके साथ खमन खाने की एक अलग ही मज़ा है। देखिए स्मूथ एकदम बन के तैयार है। इसे हम निकाल देते हैं और इसके बाद हम बनाएंगे कढ़ी, जो एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहें। यहाँ पे हमें लेना है 3 चम्मच बेसन। ये कढ़ी बहुत ही चटपटी और टेस्टी बनती है और पूरे गुजरात में ये कढ़ी खमन और पर्टिकुलरली गाठिया के साथ ये सर्व होती है। इसमें डालेंगे हम 2 बड़े कप भर के पानी, जो हम मेजरिंग कप है उसका 2 माप लेना। ये शुरू में लिक्विड फॉर्म में रहेगी। थोड़ी सी डालेंगे नमक, ग्रीन चिली पेस्ट, लेमन जूस, और यहाँ पे हमें शुगर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लेनी है। मैंने बताया ना ये बहुत ही चटपटी बनती है, तो शुगर ज़्यादा लेनी है, और सौंठ पाउडर 1 चम्मच। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे विस्कर की मदद से, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। ये सारी प्रोसेस हमें कढ़ाई में डालने से पहले नीचे ही कर लेनी है। तो चलिए हम कढ़ाई में अभी तड़का लगाएंगे। पहले पैन में ले लेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी राई, आधी चम्मच जितनी। जैसे ही राई चटकने लगे डाल देंगे थोड़ी सी हींग। अब इसके अंदर मैंने ग्रीन चिली को कट करके ले लिया है, वो डालेंगे। करी लीव्स डालेंगे। अब हम डाल देंगे जो हम लोगों ने लिक्विड तैयार किया है, वो डाल देंगे। इसे हमें लगातार स्टर करना है। हल्दी डालेंगे आधी चम्मच जितनी। इसे 3 से 4 मिनट तक हमें स्लो फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि इसके अंदर का बेसन का जो कच्चापन है वो निकल जाना चाहिए। और ये सेमी लिक्विड बनती है, बहुत लिक्विड फॉर्म में ये नहीं होती है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की होती है। पूरे गुजरात की ये बहुत ही फेमस कढ़ी रहती है। देखिए धीरे धीरे ये थिक बन रही है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हमें चाहिए। तो हमारी टेस्टी कढ़ी भी अब बनके तैयार है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये ठंडी होने के बाद थोड़ी थिक हो जाएगी। तो चलिए प्लेटिंग करते हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हमारे बहुत ही स्पॉन्जी जालीदार सॉफ्ट खमन बनके तैयार है। इसको मैंने यहाँ पे जो हमने चटनी बनाई वो चटनी और कढ़ी के साथ सर्व किया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। जय जिनेंद्र।